दोस्तों रियलमी मोबाइल में अगर आप व्हाट्सएप पर कोई पीडीएफ ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल रियलमी मोबाइल की, तो अगर कोई पीडीएफ ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपका जो पीडीएफ है पुराना हो चाहे नवा हो, ठीक है, वो ओपन नहीं हो रहा है। वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, एक ईरर आ रहा है जब भी आप उसे ओपन कर रहे हैं, ये वाला ईरर आ रहा है, सिस्टम क्रैश्ड, सबमिट ईरर रिपोर्ट। ठीक है, तो आप इसे कैसे फिक्स करेंगे आज की वीडियो में बिल्कुल आपको पूरा पूरा बताऊंगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स भी करवाऊंगा। बस कंडीशन है कि आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है अगर आपको अपनी प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो चैनल को बाद में आके सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, अगर आपकी हेल्प होती है तो। देखिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए आपको क्या करना है, चाहे अगर आप व्हाट्सएप पे हो चाहे फेसबुक में, मैं यहाँ पे किसी भी बात कर रहा हूँ बस ओनली रियलमी मोबाइल की, लेकिन चाहे प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, सोशल मीडिया कोई सा भी हो जिस पे आपको पीडीएफ ओपन करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट में क्या करना है, सभी जो अनयूज एप्लीकेशन पीछे रनिंग में है उनको हटा देना है सारी को, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, 101% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सपोज करिए आप व्हाट्सएप पर पीडीएफ ओपन कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, या फेसबुक पे कर रहे हैं, तो उस चीज़ को जिस चीज़ पे आप कर रहे हैं उस चीज़ पे आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे कर रहा था तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और ऐप इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। अगर आप फेसबुक पे हैं तो भी वहाँ पे आपको यही कंडीशन लगानी है, स्टोरेज यूजेज पे आएंगे, क्लियर कैच कर लेंगे, क्लियर डाटा नहीं करना, नहीं तो आपका जो इस सोशल मीडिया में डाटा पड़ा हुआ होगा वो डिलीट हो सकता है। फिर परमिशन पे आएंगे, सारी परमिशन यहाँ पे चेक करनी है, सारी चीज़ यहाँ पे अलाउड लिस्ट में होनी चाहिए, नॉट अलाउड में कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई सोशल मीडिया की बात, जिस पे भी आप इसे डाउनलोड कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने सोर्स आते हैं ओपन करने के, कोई एडोब एक्रोबैट से करता है या कोई किसी और से करता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जिससे भी आप इसे ओपन कर रहे हैं आप सिंपली उस पे जाना है, ठीक है, बिल्कुल बाहर आना है और उस पे जाना है जिस सोर्स से आप इसे ओपन कर रहे थे, जिस प्लेयर के साथ में। तो मैं इसे एडोब एक्रोबैट से ओपन कर रहा था, तो इस पे आप आएंगे, ऐप इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टोरेज यूजेज पे आएंगे, क्लियर डाटा कर देना है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद बैक करेंगे, सारी परमिशन यहाँ पे चेक करेंगे, अलाउड होनी चाहिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप नॉट अलाउड है तो आपको ये चेक कर लेनी है, नॉट अलाउड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सबको अलाउ करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली अपने मोबाइल में आना है और बिल्कुल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों वीडियो को स्किप मत कर देना बस, ठीक है। और यहाँ पे आपको करना क्या है, मेरा जो एडोब था, ठीक है, एडोब जिस प्लेयर से आप इसे अपडेट वो कर रहे थे ओपन, ठीक है, एडोब एक्रोबैट, उसको आगे यहाँ पे सर्च करना है। आपका कुछ और भी हो सकता है, पीडीएफ ओपन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आगे देखना है, इसमें अपडेट तो नहीं आ रखा है, अगर अपडेट है तो इसे सबसे पहले अपडेट करना है। दूसरी बात, जिस प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे जैसे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, उसको भी यहाँ पे आके सर्च करना है और यहाँ पे आपको लिख लेना है इस तरीके से, ठीक है, जो भी अगर आपके सामने जिसमें भी होंगे आप व्हाट्सएप में होंगे तो व्हाट्सएप को सर्च करना है और इसे भी देखना है, दोनों को तो अपडेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो अपना पीडीएफ है वो ओपन करके देखना है, ठीक है, अगर 50% लोगों का यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसका नहीं हो रहा है उसको क्या करना है, देखिए आगे आपको मैं बता दूँ, फाइल मैनेजर में जाना है, ठीक है, फाइल मैनेजर में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिंपली स्टोरेज चेक कर लेना है, आप देख सकते हैं ऊपर दिखा रखा है, ठीक है, मेरे में अभी 15 GB फ्री है। अगर आपके में स्टोरेज फुल है तो भाई यहाँ पे बहुत सारी जो अनलेस चीज़ें होती हैं जिनका आपके लिए कोई यूज नहीं, उनको डिलीट कर देना, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके लिए, अगर आपकी फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको देखिए इसी में आना है, फाइल मैनेजर में, और आपको यहाँ पे व्हाट्सएप के नाम से फोल्डर मिलेगा, आपको सर्च करना है व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप सर्च करेंगे, जौन सी भी आपकी व्हाट्सएप है, जीबी हो या नॉर्मल वाली हो, उसके फोल्डर में जाएंगे और अगर वो पीडीएफ है तो डॉक्यूमेंट्स में आएगा और अपने इसमें आ जाएंगे आप, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार देखिए, अगर आपने पहले कभी उसे डाउनलोड किया होगा तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, उसके बाद चाहे वो क्रैश हो जाए व्हाट्सएप से, चाहे सामने वाला पर्सन जिसने उसे सेंड किया है चाहे वो डिलीट कर दे, लेकिन यहाँ पे वो परमानेंटली आपको मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड है, कभी मैंने पहले डाउनलोड किया था व्हाट्सएप पे, ये मेरा क्रैश हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, देखिए मैं इसे ओपन करके दिखाऊंगा लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। और फिर एक लास्ट और मास्टर प्लान क्या है आप लोगों के लिए, आपको जो अपना मोबाइल है ना,
वो फ्रेश रिबूट करना है। फ्रेश रिबूट करने से देखिए आपके मोबाइल का कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं होगा, ना ही कोई डाटा आपका डिलीट होगा, ना ही मोबाइल फैक्ट्री रिसेट होगा। अब फ्रेश रिबूट आप कैसे करेंगे वो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना। उससे जो आपके मोबाइल है फालतू की बेकार चीज़ें डिलीट कर देता है और मोबाइल जो अनयूज चीज़ें हैं उनको स्टॉप करके वापस में नया हो जाता है एकदम, ठीक है, तो आपका डाटा सुरक्षित रहता है। तो फ्रेश रिबूट करेंगे, उसके बाद आप इसे चेक कर लेंगे, ओपन हो जाएगा। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे।